कि चीन ने हमारी सीमाओं पर कब्जा कर लिया है, हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, कई सैनिक घायल हो गए हैं। हालात क्या है देश जानना चाहता है, सच्चाई क्या है, आप छुपाते क्यों चीजों को? क्या नेपाल ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? आप सच्चाई बताते क्यों नहीं हो देश को? मुझे लगता है देश की सुरक्षा की बजाय आप सरकारें गिराने में और विधायक खरीदने में और राज्यसभा चुनाव जीतने में आपकी रुचि ज्यादा है। आज देश में अगर आप सच्चाई की बात करोगे कि वास्तविकता क्या है हमारी सीमाओं पर, क्या हमारे सैनिकों के पास हथियार है कि नहीं है, अगर आप सच्चाई से बात पेश आओगे, देश आपके साथ खड़ा है। एक इंच भी जमीन इस देश की, चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे और कोई देश हो, हमारी जमीन पे एक इंच कब्जा नहीं करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। ये हालात जो बिगड़ रहे हैं, आप छुपाना क्यों चाहते हो देश से असलियत? आप सच बोलिए, सच्चाई से देश को अवगत कराइए, किन हालातों में हमारे देश के नौजवान मारे गए, सैनिक मारे गए हैं, क्या वो हमारी सीमा में मारे गए हैं या वो सीमा के बाहर मारे गए हैं, कितने किलोमीटर पर चाइना ने कब्जा किया है। ये तमाम तथ्य हैं जो देश जानना चाहता है। और अगर मुसीबत है देश के ऊपर तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन सीमा हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए, जवान हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, जवानों के पास हथियार होने चाहिए। और एक इंच जमीन पर देश का कोई देश कब्जा नहीं कर पाए, ये सुनिश्चित कीजिए।